नमस्कार, आज अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। देशों में प्राचीन और पौष्टिक अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में समयावधि तक पूर्व में शुरू किया गया कार्यक्रमों तथा पहलों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का भी उद्देश्य मिलेट की खपत को बढ़ाकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने है। इसके लिए 8 मिलेट्स के चिन्हित किया गया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, चेना, सावा आदि शामिल है। इसमें कुछ छोटे अनाज शामिल है तो कुछ मोटे भी। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण में पोषक अनाज बाजरा मोटे अनाज के योगदान के रूप में जागरूकता का प्रसार करना, पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना, उपयुक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास एवं विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना। पोषक अनाज बाजरा मोटे अनाज से परिचित। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में बाजरा, रागी, ज्वार, समा, बाजरा और बरीगा शामिल है। इन अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिए आग उगाए गया पहले पौधों में से थे। विश्व में भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया में उत्पादन का 80% हिस्सा है। इसका महत्व पौष्टिक रूप से संपन्न है। उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण बाजरा कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से गेहूं एवं चावल से बेहतर होते हैं। रागी को सभी खाद्य धान्यों में सबसे अधिक कैल्शियम सामग्री के लिए जाना जाता है। बाजरा पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकता है और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं में पोषण की कमी के खिलाफ एक दाल के रूप में कार्य कर सकता है। सरकार द्वारा की गई पहल। भारत सरकार द्वारा बाजरे के MSP में बढ़ोतरी को बीज की किट और इनपुट सहायता के रूप में किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला का निर्माण तथा बाजरा के लिए बाजरा क्षमता को विकसित करने में मदद की जा रही है। इतना कहकर मैं अपना छोटा विवरण समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।